अल्लाह का इतना बड़ा करम है यार कि अल्लाह ने आंखें दी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने माशाल्लाह जुबान दी है, अल्लाह ताला ने कान दिए, अल्लाह ताला ने सही सालम हाथ और पांव दिए। अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी है उसका कल हिसाब किताब होगा ज़रूर। अल्लाह ताला हमें खड़ा करेगा, पूछेगा कि इन आँखों को तुमने कैसे इस्तेमाल की, इन कान को तुमने कैसे इस्तेमाल किए, इन हाथों को तुमने कैसे इस्तेमाल किए, इन पाँव को तुमने कैसे इस्तेमाल किए। एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घड़ी का अल्लाह ताला हमसे पूछेगा। क्या मुसीबत आ गई अल्लाह की कसम इस उम्मत में, यहाँ तक मसला पहुँच गया कि हम लोग इन्हीं आंखों से वो चीज़ें देखने लग पड़े जिससे शैतान खुद भी शर्माए। जो फहाशी हमारे घरों में फैल गई है, नाजायज फिल्में देखने लग पड़े, ऐसे फहाश फिल्में और क्लिप्स बेदरेग हम देखते हैं, सुनते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, हमें एहसास नहीं कि हमने जिस चीज़ को भेजा, जितने भी लोगों ने उसको देखा, सब का गुनाह का वबाल मेरे सर पे। इन सब का गुनाह इकट्ठा कर लो और वो मुझे भी वही गुनाह मिलेगा, और जब भी वो उस सीन के बारे में सोचेगा गुनाह मुझे मिलता रहेगा। जितने बंदे को उसने आगे फॉरवर्ड की, सबको मजमूई तौर पे मुझे ही गुनाह मिलेगा। क्या मिला है इसे, मिला क्या है इसे यार, क्या ताकि मैं अपने आप को बड़ा पेश कर लूं कि मैंने जी गंदी फिल्म आपको भेज दी। हमारी गैरत किधर गई है, हमारे छोटे छोटे बच्चे यार इनके हाथों में मोबाइल है, वो बच्चे जो मुस्तकबिल को रोशन करने वाले थे यही रह गया बस। किधर गए यार हम मुसलमान, किधर जा रहे हैं? हमें दुख होना चाहिए खुदा की कसम, जो सलाहियत हमारे मुल्कों में है मुसलमानों के पास है हम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और उल्टा उन्हीं चीजों पे इस्तेमाल हो रहा है जहाँ बिल्कुल हमें कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा हमें अजाब और नुकसान ही होगा। हुआ क्या है हमें यार, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह देखो मैं एक दर्द लेके आया हूँ, मैं एक फिक्र के साथ अर्ज कर रहा हूँ ये बातें। तो अभी वो बात नहीं रही कि हम सिर्फ मेंबर पर बैठ के नाते सुनाए और बड़े बड़े इस तरह हम खुशफहमी में बैठे कि भाई बहुत काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक कुछ काम हो रहा है, लेकिन इन चीजों की तरफ किसी की नजर नहीं जा रही। हम लोग इन चीजों के ऊपर हम बयान ही नहीं कर रहे, कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। ये ऐसी ऐसी चीजें फैल गई उम्मत में, छोटे छोटे बच्चों को इन चीजों का शऊर होता जा रहा है। तो देखो यार, मेंबर पर बैठ के उम्मत के गुनाह को खोलना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन वल्लाह मेरे दिल के अंदर एक दुख है अल्लाह की कसम, हर हर घर में यार ये चीजें फैल चुकी हैं। अगर कोई गंदगी या फहाशी और यानी देखने का उसको रिवाज हो, कोई एक लत पड़ चुकी हो, तो इससे तौबा कर लो। अल्लाह ताला के सामने गिर गिरा के रोए कि अल्लाह मैंने अपने आप पे बहुत ज्यादती और जुल्म किया, अल्लाह तू माफ फरमाए। एक बंदा ने मुझे कॉल किया, उसने कहा मौलाना मैं जब नमाज शुरू करता हूँ तो शुरू करते ही साथ ये सीन्स मेरे जहन में आ रहे होते हैं, मुझे तो अल्लाह पे मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, कैसा इस चीज़ को ख़त्म करूँ। मैंने कहा भाई जान, दरअसल बात यह है कि ये आपके जहन में ये चीज़ नक्श हो गई है, अब अल्लाह की रहमत के अलावा कोई चीज़ इसको हटा नहीं सकती, ना मिटा सकती है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से पूछो। अव्वलन तो मैं ये अर्ज करूँगा यार कि अल्लाह की कसम इससे हम दूर रहें, इससे हम तौबा कर लें और इससे हम अजम कर लें, हम कभी भी ऐसी फोहश और गंदी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे। तो मेरे भाइयों देखो, मैं आपसे एक हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते इससे तौबा कर लो। अल्लाह ताला जो ना हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए।